हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव लगातार जन समर्थन सभा कर जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव प्रचार किया। जन समर्थन सभा में उमड़ी भीड़ देख दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव गदगद नजर आए और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी की। जब चिरंजीव राव के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे तो इस दौरान उन्हें भारी जन समर्थन मिला और लोगों की भारी भीड़ भी इस सभा में देखने को मिली। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लोग वहां पर उन्हें भरपूर समर्थन देते हुए नजर आए। देखिए बहुत अच्छा माहौल है रेवाड़ी से, तो दूर से ही पूरे हरियाणा में रेवाड़ी की खबर आ रही है कि रेवाड़ी से हमारे भाई चिरंजीव बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। रेवाड़ी हल्के ने ठाना है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाना है और चिरंजीव भाई को बड़े बहुमत से जिताना है और मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। पूरे प्रदेश से कोने कोने से यही बात आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया हरियाणा में। बीजेपी का कुशासन 10 साल तक हरियाणा की जनता को ठगने का काम जिस पार्टी ने किया, कोई काम नहीं किया इन्होंने 10 साल।